तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी का क्या विकल्प होता है, क्योंकि ज़्यादातर युवा नौकरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वे ऐसे भी ढेर सारे युवा हैं जिन्होंने बीएससी से किया है और नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी दूंगा कि भाई आपको करना क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो रिलीज करूँगा वह नोटिफिकेशन के थ्रू आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर पहुँच जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने क्या बोलते हैं कि बीएससी किया है और बीएससी एग्रीकल्चरल ब्रांच से किया है और अच्छे अंक से पास हैं, तो आपके पास प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र में नौकरी के अवसर हैं। हम नौकरी मिल ही जाएगा ऐसा मैं कभी नहीं कहता, लेकिन मैं निगेटिव बातें नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत लो है और आप उसमें जाकर आसानी से टारगेट कर सकते हैं फॉर योर जॉब। तो सरकारी नौकरी के लिए आप रिसर्च ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फार्म मैनेजर के पद पर फॉर्म भर सकते हैं, जबकि प्राइवेट क्षेत्र में आप फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग फर्म्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर सालाना पैकेज भी आकर्षक होता है। इसके लिए आप उच्च अध्ययन के लिए भी विचार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तमाम क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड रहेंगे। तो जितना मैंने बताया कि भाई प्राइवेट क्षेत्र में जैसे कि फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गया, इसमें जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हो गया, इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग फर्म्स ये हो गया, इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसा कि अभी मैंने पहले बताया वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ढेरों सारे अवसर्स हैं, ये होता है कि आप किस अवसर को कितना ज़्यादा भुना सकते हैं, मतलब चेक समझकर उसको कैश करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें जाकर आप अप्लाई करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। एक जो क्वेश्चन आया था एक मित्र का, उसी का मैंने उत्तर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, यूज करिएगा वीडियो को, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।